चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है। नए उम्मीदवारों की खोज कर रही है कांग्रेस। जिन क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों से नाराजगी है, उन क्षेत्रों में नए उम्मीदवार को उतारेंगे मैदान में। नए उम्मीदवार उतारकर एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी बचेगी, अपना बचाव करेगी। जातिगत समीकरण के साथ युवाओं महिलाओं की भी खोज होगी। तो नए उम्मीदवारों की खोज अब कांग्रेस करेगी। जिन क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों से नाराजगी थी, उन्हें भी मनाने का प्रयास किया जाएगा, उनसे भी चर्चा की जाएगी। एकजुट रहने का प्रयास लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनावों को देखते हुए कांग्रेस में एकजुटता बेहद जरूरी है। गुटबाजी भी खत्म की जाएगी। उन क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को उतारेंगे मैदान में, और इसके साथ ही नए उम्मीदवार उतारकर एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी कैसे अपना बचाव करेगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। जातिगत समीकरण के साथ युवाओं महिलाओं की भी खोज होगी। तो देखिए, अब आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अब एक रणनीति तय की है। जिन क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों से नाराजगी है, उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा। नए उम्मीदवारों की खोज की जाएगी। उन क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को उतारेंगे, जहां पर नए उम्मीदवार उतारकर एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी अपना बचाव कर सके। जातिगत समीकरण के साथ युवाओं महिलाओं की भी खोज होगी। नए उम्मीदवारों की खोज के लिए खुफिया रिपोर्ट भी कांग्रेस तैयार कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन के मोर्चे पर उतर आई है। बता दें कि प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशियों की तलाश के लिए कांग्रेस सरकार खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रही है, और इसके लिए टीम संभावित दावेदारों से संपर्क कर रही है। सर्वे में चुनाव को लेकर दावेदारों की तैयारी, फंड और अन्य विषयों की जानकारी ली जा रही है। कांग्रेस ने अब तक विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर 3 सर्वे किए हैं, जिसमें करीब 25 विधायकों को लाल सूची में रखा गया है। और अब ऐसे में उन क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है कांग्रेस। नए उम्मीदवार उतारकर एंटी इनकम्बेंसी से भी पार्टी अपना बचाव कैसे करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा।